अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी एमटीएस 2020, आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स, आरआरबी ग्रुप डी एस्पिरेंट्स और बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जो 2021 के लिए एलिजिबल है, मेरा आप सभी को एक जेन्युइन सजेशन है कि आप सभी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, एसएससी एग्जाम्स चूज करिए। एसएससी एग्जाम्स के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान चूज करिए। मैक्सिमम बच्चे इस समय 24 महीने का ही प्लान चूज कर रहे हैं। वैलिडिटी प्लान चूज करने के बाद आपको यहां पर जहां आपको दिख रहा है ना हैव अ रेफरल कोड, यहां पर आपको लिखना है पीएमवाईटी। जैसे ही आप पीएमवाईटी लिख के अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं पीएमवाईटी अप्लाई करते ही 24 महीने का जो प्लान है वो आपको 5832 का पड़ जाता है। रेफरल कोड पीएमवाईटी अप्लाई करना है आपको। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको जो फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं वो भी आप रिडीम कर लेना। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है पीएमवाईटी, ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, पीएमवाईटी अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, पीएमवाईटी। पीएमवाईटी अप्लाई करना पूरे अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम्स को अच्छे से आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। और अभी जो आपका एग्जाम होना है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, इसके लिए कुछ लास्ट मिनट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करके रख लेने हैं, और कुछ लास्ट मिनट टिप्स आप लोगों के लिए हैं। तो इस वीडियो में हम फटाफट से उन चीज़ों को कवर करेंगे। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, वीडियो आपको पसंद आए लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए, पीएमवाईटी कोड यूज़ कर लेना। 24 मंथ्स का प्लान बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और ये जो कोड है पीएमवाईटी, ये हर कैटेगरी पे एप्लीकेबल है, फ्रॉम यूपीएससी टू सीबीएसई, चाहे बैंक एग्जाम हो, चाहे रेलवे एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी एग्जाम्स हो, या फिर चाहे सीईटी। कोड का ध्यान रखना, आप पीएमवाईटी कोड का यूज़ करोगे, ठीक है। अब एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, ये आपका ऑफलाइन रिटन टेस्ट है। देखो, बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होंगी, बट फिर भी मैं फटाफट से बता देती हूँ आपको। ऑफलाइन रिटन टेस्ट होने वाला है, पेन पेपर मोड रहेगा। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये डाउट मैंने बहुत बार क्लियर किया है कि लैंग्वेज को लेके फ़र्क नहीं है, बस ध्यान रखना अगर आप हिंदी लिखते हो तो आपको शानदार शब्दों का यूज़ करना होगा। हम जो नॉर्मली बातचीत में यूज़ करते हैं वो शब्द नहीं, जैसे हम बातचीत की जगह वार्तालाप यूज़ कर लिया। अगर आप इंग्लिश लिखते हो तो आपने जो मीन्स के लिए इंग्लिश या जो कैब लर्न की है वो सारी जाके वहाँ पे नहीं दिखानी, बिल्कुल भी वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश आपको लिखनी है, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, चाहे फिर आप इंग्लिश में लिखो चाहे फिर आप हिंदी में लिखो, ठीक है। ऐसे लेटर एप्लीकेशन, प्रेसी राइटिंग, ये आपका आपके टॉपिक्स रहते हैं। प्रेसी अभी तक नहीं आया है, बट भाई देखो एक बार ही पढ़ लेना, एक बार ही कर लेना। बस ऐसे करना कि 1/3 लिखना, सपोज करो 60 वर्ड्स का कोई अगर आपका पैसेज है तो आपको 20 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। ऐसे और लेटर ही अभी तक पूछा गया है। टोटल 100 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स ईच लेटर और ऐसे, ठीक है। ड्यूरेशन 60 मिनट्स, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 30 मिनट्स ऐसे 30 मिनट लेटर, नहीं, आपको एक बार में पेपर दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको पता है बट फिर भी स्टार मार्क कर लेना, बिल्कुल भी इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। ऐसे राइटिंग में आपकी वर्ड्स लिमिट है 250 प्लस माइनस 10%, और यहाँ पे आपके लेटर राइटिंग में भी वर्ड लिमिट रहेगी 150, इसमें भी आपका होगा प्लस माइनस 10% अलाउड, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 33, यानी कि 33% यानी कि 100 में से 33 नंबर आपको चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आपको स्कोर करने की ट्राई करना है क्योंकि एंड में जाके ये नंबर आपके जुड़ने वाले हैं, मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में जुड़ने वाले हैं, जो कि कट ऑफ पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डालते हैं। इस चीज़ पे आपका सिलेक्शन भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को करना है। अब मैं आपको फटाफट से लास्ट मिनट रिविजन टॉपिक्स बता देती हूँ बिना देर किए। ये 10 टॉपिक्स आपको रिवाइज कर लेने हैं, अगर अभी तक नहीं किए तो अच्छे से रीड कर लो, फ्लो चार्ट्स बना लो, कोटेशंस पहले से ही लिख लो, ठीक है, ताकि एंड में आपको कुछ भी ढूंढना ना पड़े और एंड दे आप फटाफट रिवाइज करके भी चले जाओ। COVID-19 अब अपने आप में ये एक ऐसा टॉपिक है कि इससे आप 6 टॉपिक निकाल लो, इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली जो चीज है। अब COVID-19 के इम्पैक्ट आ सकते हैं,
इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो टॉपिक इसमें से निकल के आ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वियरिंग मास्क भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये वाला सोशल डिस्टेंसिंग वाला, ये आपका एसे में भी आ सकता है और लेटर में भी, जैसे कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग या इम्पोर्टेंस ऑफ वियरिंग मास्क। तो ये आपका जो एक टॉपिक है ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप जो सारे डूज लिख लेना, ठीक है, सारे जो आपके डूज है, सारे जो आपके डोंट्स है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा, सारी चीजें, ठीक है। तो तभी जाके ये जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो पाएगा। फिर आ जाता है आयुष्मान भारत। भाई देखो, हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति अभियान, सेव वाटर, ठीक है, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है आपका एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कोटेशन आप पहले से ही लिख लीजिए। पॉवर्टी इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कंप्यूटर लिटरेसी, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड जैसे साइबर लिटरेसी हो गया या फिर साइबर क्राइम्स हो गया, ये जो चीजें हैं वो इसीलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे लॉकडाउन का टाइम था तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की बात कर लीजिए, या डिजिटल इंडिया भी इस चीज पे फोकस करता है, UPI हो गया, भीम ऐप हो गया, ये सारी चीजें मिला के ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, प्लास्टिक बैन, एक चीज का और ध्यान रखना है, जब प्लास्टिक बैन की आप बात करोगे, चाहे किसी भी टॉपिक पे ऐसे आए, उसको अगर आपने करंट से रिलेट कर दिया तो नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे COVID-19 हो गया, आयुष्मान भारत है, इसमें आप सस्टेनेबल गोल्स जो है, SDGs जो है, उसमें जैसे हेल्थ का थर्ड नंबर है, तो ये चीज मेंशन जरूर करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आपके हैं ये रीड करके जाना भाई कौन सा किसका है, ठीक है। प्लास्टिक बैन पे भी जैसे आप जाओगे तो एनवायरमेंट से रिलेटेड आप मेंशन कर सकते हो। अभी कोविड के टाइम पे PPE किट्स हो गई, मास्क हो गई, इन सब चीजों की वजह से जो प्लास्टिक का जो वेस्टेज है वो काफी बड़ा है और उसको हम अच्छे से रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज आपको जरूर मेंशन करनी है। जैसे ही आपने प्लास्टिक बैन को करंट से रिलेट कर दिया वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, नंबर आपको काफी अच्छे आप उससे मिल सकते हैं। अब बात आती है ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये चीज भी, इसको भी आप रिलेट कर सकते हो काफी हद तक इस टॉपिक से लॉकडाउन का जो इफेक्ट रहा है, एनवायरमेंटल इफेक्ट, उससे आप रिलेट कर सकते हो। नीड फॉर मॉरल एजुकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि देखो एजुकेशन की अगर बात की जाए ना, तो अब तक कुल मिला के 3 बार ये टॉपिक रिपीट हो चुका है, चाहे फिर मैं MTS की बात करूं, चाहे मैं CGL की बात करूं, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की, तो ये टॉपिक अब तक 3 बार हो चुका है। तो मॉरल एजुकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, एजुकेशन से ही रिलेटेड आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट मॉरल एजुकेशन उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा हटके है, इसीलिए एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन इंडिया, इसरो। अब इसके अलावा भी क्या कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, इसके अलावा आप गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करो, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, ये स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन स्कीम्स को एक बार आप लोगों को जरूर 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 करना है। इसके अलावा जो मोटर व्हीकल एक्ट है उस वो आप कर सकते हो, सौभाग्य योजना आप कर सकते हो, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट है जो 2019 का, वो आपको पढ़ के जाना है। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, फ्लो चार्ट पहले ही बना लेना। अब पेपर को करते टाइम क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कुछ लास्ट मिनट टिप्स आप लोगों के लिए हैं। सबसे पहले तो बेसिक टिप्स की बात कर देते हैं भाई, एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम पर पहुंचना है आपको, टाइमिंग का खास ख्याल रखना है, ठीक है। एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी कार्ड आप लेकर जाओगे, अपने साथ फोटोज लेकर जाओगे, पेंस आपको अपनी तरफ से लेकर जाने हैं। देखो कुछ सेंटर्स पे पेंसिल्स अलाउड की जाती हैं, तो आप ले जाना, क्योंकि जैसा मैंने सजेस्ट किया, एक फ्लो चार्ट बना लोगे ऐसे लिखते टाइम, सबसे ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है इस चीज से। अगर आपका ऐसे कनेक्ट नहीं हो रहा है पहला पैसेज दूसरे पैसेज से, तो दिक्कत है, तो कोशिश करना कि आपका एक जो पैसेज है वो दूसरे पैसेज से कनेक्ट हो। इसके लिए पहले ही सोच के रख लो, फ्लो चार्ट बना लो कि इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये चीज देख लेना, ठीक है। अगर आपके वहां पेंसिल अलाउड नहीं है, सिर्फ पेन है, तो आप माइंड में ये चीज क्लियर कर लेना। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कोविड डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज। अच्छा, व्हाट टू ईट, कुछ ज्यादा हैवी मत खाना कि नींद आए, हालांकि एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल एग्जाम है, आपको कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेट करने की नीड पड़ेगी, ठीक है। अब लास्ट मिनट प्रिपरेशन एंड रिविजन के लिए अभी से टॉपिक्स के फ्लो चार्ट्स बना लो और कोटेशन लिख लो, ये दो चीज आपको जरूर 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 करनी है। इसके अलावा
भाई इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है ऐसे लिखते टाइम। कमांड ओवर लैंग्वेज का मतलब है आप जो लिखोगे उसमें ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स तो होनी ही नहीं चाहिए। ये एक सबसे ज्यादा पॉइंट रहता है नंबर कटने का। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन से मतलब है कि अगर आपने एक लाइन लिखी है तो उस लाइन का मीनिंग बने वहां पे। ऐसा नहीं है कि आप किधर भी कुछ भी लिख रहे हो, आपका ऐसे कनेक्ट होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी। इनके तो डायरेक्ट आपके नंबर है, ठीक है। हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। अगर आप बहुत कर्सिव लिख दोगे या बहुत सजा सजा के लिख दोगे और सामने वाले को समझ नहीं आ रही है तो कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। तो कोशिश करना कि थोड़ा बड़े बड़े लेटर्स आप लिखो, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा समझ में आते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखना है। अगर 275 आपका ऐसे क्रॉस हो जाता है भाई, तो सपोज आपने 285 लिख दिया, लास्ट के 10-12 वर्ड्स में तो कंक्लूजन रहता है, तो यानी कंक्लूजन नहीं लिखा, आपका ऐसे अब्रप्टली एंड हो गया, क्या फायदा। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखना है। अगर आपने लेटर में वर्ड लिमिट क्रॉस की, सपोज 165 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 185 या 180 के करीब लिख दिया, तो अरे भाई उसका तो फॉर्मेट ही कंप्लीट नहीं होगा, तो फॉर्मेट के नंबर भी जाएंगे। तो ऐसा मत करना, वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखना, ठीक है। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, डू नॉट शेयर एनी इंफॉर्मेशन रियल और इमेजिनरी। रियल तो आपको भी पता है नहीं करनी है, एक्स वाई जेड ए बी सी बिल्कुल मत लिखना, ठीक है। जो आपको गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐसे जो है अपना लेटर जो है कंप्लीट करना है, या शीट में भी कहीं पे भी कुछ भी ऐसा मत लिखना जिससे यूएफएम के चांसेस हो। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, ठीक है। एंड ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करना। आप सब अपने आप में फेथ रखना कि मैंने ये सब चीजें की हुई है, मुझे आता है। कोई टॉपिक अगर ऐसा भी आ जाए जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन देखो ऐसा अब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक नहीं आएगा, आपने जरूर पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ, उसको करंट से रिलेट जरूर करना, इस चीज का खास ख्याल रखना, ठीक है। अन अकेडमी प्लस पर अभी मेरा एक बैच चल रहा है Tier 3 को लेकर। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप वो बैच भी लगा सकते हैं। 24 मंथ्स का प्लान आप परचेज कर लेना अगर आप 2020 को टारगेट कर रहे हो तो, खासकर क्योंकि इससे होगा क्या कि प्रैक्टिस सिलेबस सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है। कोड का आपको खास ख्याल रखना है, PMYT कोड आप यूज करोगे, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, आप एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, क्विजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें, और कुछ किसी भी चीज के लिए कुछ भी अलग से पे नहीं करना है, ठीक है। 100+ एजुकेटर्स है, 50+ बैचेस है, 3000+ आवर्स का आपको कंटेंट मिलेगा। 24 मंथ्स 75% ऑफ, इसीलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि 24 मंथ्स का प्लान आप परचेस करो, ठीक है। PMYT कोड यूज कर लेना। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कैसे यूज करना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप PMYT कोड लगा देना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और यहाँ पर क्रेडिट्स फॉर डबल डिस्काउंट, दोनों ही चीजों का खास ख्याल रखना है। हर कैटेगरी पे कोड एप्लीकेबल रहेगा, चाहे UPSC हो, चाहे CBSE, बैंक, रेलवे, SSC एग्जाम, CET, कोई भी कैटेगरी हो, आप PMYT कोड लगा देना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड का खास ख्याल रखना। आप अपने कजन्स को भी ये चीज सजेस्ट कर सकते हो, या अपने नोन में किसी को चाहिए, क्योंकि UPSC से लेके CBSE हर कैटेगरी कवर होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट अगेन।